अब ये भाई कहाँ रह गए? बोल रहे थे दोनों को वापस लेकर आएंगे, खुद आता पता नहीं है कहाँ चले। फोन लगा ना, देख वो लोग मिले भी कि नहीं। मैं कब से फोन मिला रही हूँ? रुद्र, ये क्या हुआ है? माँ, वो रास्ते में कुछ गुंडे प्रीशा जी को छेड़ रहे थे, तो उनमें से एक ने चाकू मार दिया। चाकू? इतनी चोट आई है, तुम्हें तो बहुत पेन हो रहा होगा ना? अब पहले से बेटर है। अच्छा, इसे पहले बैठने दो। हाँ, हाँ। बैठो बैठो, केयरफुली रुद्र। हाँ, आराम से आराम से। मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। तो ये सरप्राइज है मेरे लिए। देविका हटना, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। नहीं प्रीशा, तुम मत करो। मेरा मतलब है तो तुम भी थकी हुई होगी ना, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। देविका है ना, देविका कर लेगी। हाँ ये लो। हाँ बेटा। हाँ प्रीशा, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। सुलेचन जी, अब टेंशन मत लीजिए, अरमान अभी फोन कर रहा है डॉक्टर को। पर पहले प्रीशा से बात करनी है। किसी ने देख लिया तो? अपनी अधूरी बात पूरी करने आया हूँ मैं। अधूरी बात? हाँ, वो तुम कार में क्या कह रही थी? वो जब अरमान आया था उससे पहले तुम कुछ कह रही थी ना, वरुणा क्या कहने वाली थी तुम? मैं कुछ नहीं कहने वाली थी, तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। नाटक मत करो प्रीशा, सच बोल दो। तुम कहने वाली थी कि तुम मुझसे। तुमसे क्या, तुमसे क्या? मैं कुछ नहीं कहने वाली थी, तुम कुछ अलग ही समझ रहे हो। तुम छोड़ो मुझे। प्रीशा जी मत करो यार, कितना झूठ बोलोगी? मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ क्या? जानता नहीं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? मुझे पता है तुम कहना चाहती थी कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो, मेरे बिना नहीं रह सकती, नहीं देख सकती मुझे देविका के साथ, है ना? बोलो। बस रुद्र, जिद मैं नहीं, जिद तुम कर रहे हो। मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, सुन लिया? और ये जवाब कभी चेंज नहीं होगा। दो दिन में, सिर्फ दो दिन में तुम्हारी तुम्हारी देविका के साथ शादी होने वाली, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, उसे हर्ट मत करना, समझे? छोड़ो, बंद करो ये सब। रुद्र हटो। सुनो प्रीशा, भाभी मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे रूम में तो रुद्र है, इसने देख लिया तो? क्या? चलिए मैं बताती हूँ। अरे कहाँ? हम अंदर वहाँ बैठ के करते हैं ना, चलो आराम से बैठो। ठीक है। कितना भी मना कर लो प्रीशा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, फील कर सकता हूँ मैं। तुम्हें नहीं बोलना है तो मत बोलो,
और अगर कल तुमने ये इयर रिंग्स पहनी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। भाभी आपको पता है रुद्र ना मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा बट बताओ हुआ क्या? वो मेरे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेकर आया। स्पेशल गिफ्ट? हाँ, जब टेबल पे सारे शॉपिंग बैग पड़े थे ना तो उसमें से एक शॉपिंग बैग नीचे गिर गया था। मैंने उठाने के लिए ऊपर रखा तो मेरी नजर पड़ी, उसमें एक वुडन बॉक्स था जिसपे लिखा था फॉर समवन स्पेशल। अच्छा वैसे मैं भी ना किसे बता रही हूँ, आप तो उसके साथ ही गए थे ना, आपको तो सब पता है। तो अभी बताइए ना क्या लाया रुद्र मेरे लिए, बताइए ना। देविका ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अब कौन सा सरप्राइज, अब तो मुझे पता चल गया ना। अब ये सरप्राइज नहीं सस्पेंस है जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए प्लीज प्लीज बताइए ना। भाभी नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप प्लीज बताइए। अच्छा ठीक है, वो तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर डायमंड ब्रेसलेट लेकर आया। सीरियसली भाभी रुद्र इज सो स्वीट, कितना प्यार करता है ना मुझसे।